बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वजह से कई एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हुआ है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। पिछले साल तनुश्री दत्ता ने मीटू के बारे में बोलते हुए कई बड़े कलाकारों का नाम उजागर किया था। तनुश्री ने बताया था कि कैसे उन्हें इतना परेशान किया गया कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़कर जाना पड़ा। इसी कड़ी में ऋचा भद्रा का नाम सामने आया है। ऋचा स्टार प्लस के फेमस शो खिचड़ी में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आई थी। चक्की पारेख के नाम से फेमस होने वाली ऋचा के साथ कास्टिंग काउच हुआ और उन्होंने इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया। ऋचा ने हाल ही के इंटरव्यू में बताया कि खिचड़ी के बाद उन्हें बा बहू और बेबी के अलावा मिसेस तेंदुलकर और गुमराह जैसे शोज में काम मिला। मैं चुलबुले कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्टेड थी क्योंकि मेरी फैमिली रोमांटिक सीन या एक्सपोज करने में कंफर्टेबल नहीं है। ऊपर से मैं दुबली पतली नहीं थी और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऋचा ने आगे बताया कि मैंने कभी कास्टिंग काउच का सामना नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। वह चाहता था कि मैं उससे होटल में मिलूं। ऐसी घटनाओं ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैंने काम करने से अच्छा इंडस्ट्री को छोड़ देना बेहतर समझा। बता दी कि ऋचा ने शादी करके घर बसा लिया है और अब वो कॉर्पोरेट जगत में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है। कास्टिंग काउच के अलावा ऋचा को बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा था।